हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूवी लर्न में। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 किया था, शरीर में गति। आज हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले चैप्टर को अच्छे से समझना जरूरी होता है ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली आप कर पाएं, उनको आपको लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो यहाँ कॉर्नर में आई बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है यहाँ फर्स्ट। यहाँ अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती हैं। अस्थियों में जो संधियां होती हैं वो शरीर को डैश में सहायता करती हैं। तो शरीर में जो जोड़ होते हैं हमारी हड्डियों के, वो किस में हेल्प करते हैं? तो वो है गति करने में, मूवमेंट में। तो यहाँ आ जाएगा गति करने में सहायता करते हैं। ख है, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं। तो अस्थियां और उपास्थियां मिलकर शरीर का क्या बनाते हैं ये? इसे बोलते हैं कंकाल। ग है, कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। तो कोहनी जो है हमारी एल्बो, इसमें जो हड्डियां होती हैं कौन सी संधि से जुड़ी होती हैं? तो इसका हो जाएगा हिंज संधि से, कब्जे वाला जोड़ होता है, तो हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। घ है, गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। तो हमारी हड्डियों में खिंचाव जो पैदा होता है चलते वक्त, गति करते वक्त, जब हम बाजू मोड़ते हैं, टांगों को मोड़ते हैं, चलते हैं, तो उस वक्त किसकी वजह से खिंचाव होता है हड्डियों में? तो वो आएगा पेशियों की वजह से। तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो सिकुड़ती हैं, उसी वजह से हम हड्डियों में खिंचाव पैदा कर पाते हैं और उसकी वजह से हम गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों के आगे सत्य टी तथा असत्य एफ को इंगित कीजिए। तो सत्य के लिए टी लिखना है ट्रू, और असत्य है अगर तो एफ लिखना है फॉल्स। यहाँ पर फर्स्ट है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होते हैं। तो सभी जंतु जो है उनकी गति और चलन बिल्कुल एक जैसा होता है, बोला चलते हैं, गति करते हैं तो बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं। तो आप जानते हैं ऐसा तो नहीं होता है, अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार से गति करते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, गलत, इसलिए एफ लिख देंगे। ख है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती हैं। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती हैं। तो आप जानते हैं, हमने बात की थी, उपास्थि कठोर नहीं होती है, थोड़ी कोमल होती है। इसको आप अपने कान के ऊपरी हिस्से में चेक कर सकते हैं, कान का ऊपरी हिस्सा जो है उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, उपास्थि होती है, कार्टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में, और ये थोड़ा सॉफ्ट होती है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। ग है, उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। हमारी उंगलियां जो होती हैं, इनमें जो हड्डियां हैं इनमें संधि नहीं होती, कोई जोड़ नहीं होता। अगर जोड़ नहीं होता तो हमारी उंगली बिल्कुल सीधी रहती, मुड़ नहीं पाती। तो आप जानते हैं कि हमारी उंगलियां मुड़ती हैं, तो इसका मतलब इसमें बीच में जोड़ भी हैं, तो ये भी गलत हो गया, एफ लिख देंगे आप इसमें। घ है, अग्रभुजा में दो अस्थियां होती हैं। हमारी बाजू का आगे का हिस्सा जो है उसमें दो हड्डियां होती हैं, कोहनी से आगे का हिस्सा जो है उसमें आप अपनी बाजू में चेक कर सकते हैं, तो इसमें दो अस्थियां होती हैं, दो हड्डियां होती हैं, तो इसलिए ये ट्रू हो गया, टी लिखेंगे आप, सत्य है। नेक्स्ट है, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। कॉकरोच जो होता है उसमें बाह्य कंकाल, बाहर से कंकाल होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, तो ये ट्रू हो गया, सत्य है। हमने चैप्टर में बात भी की थी, इनके बाहर से इनकी सुरक्षा के लिए हड्डियों का कंकाल होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। तो यहाँ दो कॉलम है, इनको मिलान करना है, मैच करना है। कॉलम 1 में है ऊपरी जबड़ा, मछली, पसलियां, घोंघा, तिलचट्टा, और कॉलम नंबर 2 जो है इसमें है शरीर पर पंख होते हैं, बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है, एक अचल संधि है, हृदय की सुरक्षा करती है, बहुत धीमी गति से चलता है, का शरीर धारा रेखीय होता है। तो इसमें मिलान करना है, और एक से ज़्यादा से भी मिलान कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट है ऊपरी जबड़ा, तो ऊपरी जबड़ा हमारे कपाल या खोपड़ी में होता है, और ये किस तरह के जोड़ से जुड़ा होता है? इसे हम बोलते हैं अचल संधि, ये गति नहीं कर सकता, हिल डोल नहीं सकता, तो इसलिए अचल संधि है।
मछली मछली के शरीर पर पंख होते हैं, इंग्लिश में फिन्स कहते हैं, वैसे उसको पंख ही लिख दिया यहाँ पर। तो मछली के शरीर में पंख होते हैं गति करने के लिए, और इसका शरीर धारा रेखीय होता है, आगे से नुकीला होता है ताकि ये पानी को काटकर आसानी से तैर सके। पसलियाँ, पसली पिंजर भी हमने कहा था इसे, ये हमारे हृदय की सुरक्षा करती हैं, तो हमारा हृदय और फेफड़े इसी के अंदर होते हैं। घोंघा, घोंघे के शरीर पर बाह्य कंकाल होता है, कवच होता है, और दूसरा ये बहुत धीमी गति से चलता है, तो इन दोनों के साथ आप मिलान करेंगे। तिलचट्टा या कॉकरोच, इसके शरीर पर पंख होते हैं, वैसे इंग्लिश में फिन्स है तो फिन्स नहीं होते हैं इसके शरीर में, इंग्लिश मीडियम में जब करेंगे तो वहाँ पर फिन्स आता है, तो वहाँ फिन्स के साथ इसको मैच नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर पंख लिखा है तो इसके शरीर पर पंख होते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ मैच कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बाह्य कंकाल भी होता है और साथ में ये हवा में उड़ भी सकता है, तो यहाँ तीन से आप इसको मिलान करेंगे। नंबर 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ प्रश्न है, फर्स्ट है, कंदुक खल्ली का संधि क्या है? तो आंसर बनेगा, इस संधि में एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है, तो इसमें जो जोड़ है उसमें एक हड्डी जो है वो उसका सिरा गोल जैसा होता है, बॉल जैसा गेंद की तरह, और दूसरी हड्डी जो है उसमें कटोरी की शेप में होता है, वो उसमें वो धंसा होता है, उसमें फंसता है। उदाहरण, कंधे की संधि, हमारा कंधे का जो जोड़ है वो इस तरह का ही होता है। ख है, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो कपाल की हमारा जो निचले जबड़े की अस्थि होती है यही गति करती है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा निचला जबड़ा। नेक्स्ट है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? कोहनी को आप मोड़ कर देख सकते हैं, सिर्फ ये आगे पीछे तो हो सकती है, लेकिन पीछे की तरफ आप मोड़ नहीं सकते इसको उल्टी साइड, तो क्यों नहीं मोड़ सकते? तो इसमें जो जोड़ है उसकी वजह से ऐसा, कोहनी में हिंज संधि होती है, हिंज वाला जोड़ होता है कब्जे वाला, जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं, तो कोहनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, इसलिए हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स हुए इसके, इनको आप नोट करें, और साथ में ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।